फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में, आज इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं ना। मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्शन में, क्योंकि आजकल यही चल रहा है, आजकल लोग ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे, तो इसलिए थोड़ा सा इस चार्ट पे आज हम लर्निंग करेंगे। तो आज इसने किस तरह से परफॉर्म किया है। जब भी आप बैंक निफ्टी में या निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते ना, तो पहले ना आपको इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने पड़ते हैं। ठीक है, पहला जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया, ये वाला बनाया इसका। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वैसे तो मैंने कर रखी है, ये वाला इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, आपको दिख रहा है। चलिए मैं आपको इसका कितने रुपए का है, ये है आपका 50,300 रुपये का एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहले इसका आपको डेली टाइम फ्रेम चेक करना है, फिर आपको जाना है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, वहाँ पर आपको इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकालना है कौन कौन से। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखते हैं। ठीक था, आज मेरा व्यू मॉर्निंग से बुलिश था, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रेड बनाया था बुलिश साइड का। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका लेवल है ना, यहाँ पे 50,300 का लेवल, थोड़ा सा आपको पीछे भी जाके देखना है कि पीछे यहाँ पे सपोर्ट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको चेक करना ज़रूरी है जब इसमें ट्रेड वगैरह करते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना अच्छा इसका सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे पहला सपोर्ट इसने यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, यहाँ पे इसने काफ़ी बार यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, क्योंकि ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। ठीक है, फिर मैंने क्या सोचा कि यहीं पे इसका एक सपोर्ट लेवल है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, लाइन ड्रॉ कर ली जो यहाँ पे 50,300 की। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया कि पहली कैंडल आज इसकी खुली है, ये वाली रेड कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल 15 मिनट की बनी है। फिर इसके बाद क्या होता है ना, आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी चेक करना पड़ता है वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि जब आप ट्रेड लोगे ना, तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम ज़रूर चेक करना है, क्योंकि आप उसी पे ट्रेड वगैरह ले सकते हो। ठीक है, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि पीछे की साइड यहाँ पर कितनी बार सपोर्ट लिया इसने 50,300 के लेवल पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कितनी बार सपोर्ट लिया। ठीक है, ये यहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैंने आज क्या किया था, क्योंकि आज मेरा व्यू बुलिश था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने ये भी लगा रखा है, यहाँ पे ये मेरा एसएल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया, वैसे तो इसका सपोर्ट लेवल ये वाला था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार किया। ठीक है, जब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मैंने मार्केट का इंतज़ार किया यहाँ से नीचे आने का। ठीक है, यहाँ से नीचे आने का, फिर मार्केट ने ना यहीं पे आके फिर से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर मैंने एंट्री लगाई थी। ठीक है, जो मेरा पहले आपको ना यहाँ पे स्टॉप लॉस ढूंढना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। ठीक है, अगर आप बिना स्टॉप लॉस के यहाँ पे ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको लॉस बहुत बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस ये था, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 50,532.30 रुपये का मेरा यहाँ पे एसएल था। ठीक है, मैं एसएल लगा के छोड़ दिया था, फिर मैंने यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 50,600 चले गए, तो मैंने 50,000 अपना यहाँ से स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे ऊपर कर दिया। ठीक है, मुझे पता था, क्योंकि यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना था, क्योंकि यहाँ पर ना इसने सपोर्ट लिया था, ये देखो ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। क्योंकि क्योंकि जो बैंक निफ्टी 50 जो स्टॉक इंडेक्स होते हैं ना, इन पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रैटेजी यूज होती है ना, ये प्राइस एक्शन ही स्ट्रैटेजी यूज होती है। अगर आपने ये अच्छे से सीख लिया ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको यहाँ पे लेवल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम कल के भी लेवल थोड़े से निकाल लेते, देख लेते। ठीक है, अगर जो बैंक निफ्टी ये वाला लेवल तोड़ेगा, 51,200 के लेवल 200 के ऊपर जाएगा, तो यहाँ तो इसका पहला रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है, जो इसने यहाँ पे आज पुराना वाला है इसका। ठीक है, जो यहाँ पर इसका 51,400 का इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है, आपको भी इसी तरह से यहाँ पर लर्निंग करनी है, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम भी चेक करना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन है, चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या कंडीशन है। ये इसका एक डेली टाइम फ्रेम है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, जो इसका 51,400 का लेवल है, तो अपने सेकेंड रजिस्टेंस लेवल पर आ सकता है, जो इसका 51,800 का लेवल है। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ऑप्शन में मैं ट्रेडिंग बहुत कम ट्रेडिंग करता हूँ, वैसे तो मैं स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये इसके लेवल है। अभी थोड़ा सा इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या निकल के आता है। ठीक है, पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला। ठीक है, जो इसका यहाँ पर है 51,400 को, और सेकेंड इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये वाला,
जो इसका 51,800 का, आप इसमें अपनी नज़र बना के रख सकते।